राजधानी में पिछले दो दिनों में डेंगू के 8 पॉजिटिव नए मरीज मिल गए हैं। इसके बाद अब भोपाल में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 195 से बढ़कर 203 हो गई है। यह सभी मरीज जनवरी से अब तक सामने आए हैं। अक्टूबर के 11 दिन में ही 22 मरीज मिल चुके हैं, जबकि पिछले साल यानी 2021 में अक्टूबर महीने में भोपाल में डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या 300 पार कर ली थी। वहीं प्रदेश की बात करें तो डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1000 का आंकड़ा पार कर गई है। शहर में डेंगू के बढ़ते केसों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने शहर के निजी और प्राइवेट अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। डॉक्टर्स ने हिदायत दी है कि यदि किसी मरीज को डेंगू बुखार के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसका एलाइजा टेस्ट कराएं, ताकि समय रहते उसकी बीमारी का पता चल सके। साथ ही मरीज के डेंगू पॉजिटिव आने पर उसकी सूचना जिला मलेरिया दफ्तर के अलावा CMHO को जरूर दें। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने बताया कि प्रदेश में सबसे ज्यादा डेंगू के केस भोपाल में दर्ज हुए हैं। यहाँ पर जनवरी से अब तक 203 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं, जबकि प्रदेश में दूसरे नंबर पर ग्वालियर है। यहाँ पर केसों की संख्या 152 है। तीसरे नंबर पर डेंगू के मामले में विदिशा है, जहाँ पर 146 केस मिले हैं। इंदौर में सिर्फ 60 मरीजों की संख्या दर्ज की गई है, जहाँ पर राहत की बात यह है कि इंदौर में ज्यादा डेंगू के मामले सामने नहीं आए हैं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें जीवी न्यूज़ में।